हेलो इलेवंथी, तो करते हैं आज की क्लास शुरू क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेन रेंज। क्वेश्चन 1 है मेरे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें मैं आपकी आरडी शर्मा एग्जेम्पलर एंड एनसीईआरटी तीनों बुक्स कवर अप करूंगा। तो क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x+2)? अगर आप ध्यान से देखें कौन सा फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं? रैशनल फंक्शन होते हैं जो मेरे पी एक्स बाय क्यू एक्स की फॉर्म में होते हैं, यानी जहां डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है। अब बेटा हमने बचपन से पढ़ा है, कोई भी फ्रैक्शन हो या रैशनल हो वहां डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी क्यू एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, राइट? तो खुद बताओ, एक फ्रैक्शन है 1/(1/x+2) फ्रैक्शन में, यानी यहां पर डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता? जीरो, यानी एक्स प्लस टू किसके इक्वल नहीं होगा? जीरो के। तो एक्स किसके इक्वल नहीं होगा? -2 के, यानी एक्स की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। मैं यहां 0 पुट कर सकता हूं, 1 पुट कर सकता हूं, बट -2 नहीं पुट कर सकता। तो इसका डोमेन क्या बना? इसका डोमेन बना R-2। R-2 मतलब दुनिया भर के सारे नंबर, R मींस रियल, दुनिया भर के सारे नंबर सिवाय -2 के, बट -2 नहीं ले सकता। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और है, मैं चाहूंगा एक बार क्वेश्चन आप खुद को ट्राई करें। एफ एक्स इक्वल्स टू x-1/(x-3) अगेन ये भी रैशनल फंक्शन है, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। x-3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो x 3 नहीं हो सकता। तो अगेन डोमेन क्या बना? डोमेन मेरा बन गया R-3, यानी दुनिया भर के सारे नंबर बट 3 नहीं ले सकते। इसी तरह थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट वीडियो पॉज करके एक बार खुद को ट्राई करिए। fx = 2x-3/(x²-3x+2) रैशनल है, रैशनल है तो x²-3x+2 जीरो नहीं होगा। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो फैक्टर्स बनेंगे x-1, x-2। अब x-1 जीरो के इक्वल नहीं होगा, राइट? जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते थे, और x-2 जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो x की वैल्यू 1 नहीं होगी, x की वैल्यू 2 नहीं होगी। तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन हो गया R-1, 2, दुनिया भर के सारे नंबर बट 1 और 2 नहीं लेना। इसी तरह फोर्थ पार्ट है x²+3x+5। फोर्थ पार्ट है x²+3x+5/(x²-5x+4) x²-5x+4। अब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, तो यानी x-1, x-4 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। x-1 ≠ 0, x-4 ≠ 0, तो x की वैल्यू 1 नहीं होगी, x की वैल्यू 4 नहीं होगी, यानी डोमेन बन गया R-1, 4। अब ये था पहली वैरायटी, अब सेकंड वैरायटी पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, fx = √(x-2)। एक छोटा सा नोट लिखो, नोट, जब भी कोई फंक्शन रूट में होगा, जब भी कोई फंक्शन रूट में होगा यानी √x, तो x की वैल्यू क्या होगी?
एक्स मेरा तब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इस बात को समझिए बेटा। रूट के अंदर क्या मैं जीरो रख सकता हूँ? बोलो, रूट एक्स है मेरा तो एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है? बिल्कुल अलाउड है, रूट जीरो जीरो। एक्स की वैल्यू वन रख सकता हूँ? हाँ जी सर। एक्स की वैल्यू टू रखू, रूट टू, बिल्कुल है। थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। क्या मैं एक्स की वैल्यू माइनस टू रख सकता हूँ? क्या रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो उसी तरह रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, बट लेस देन जीरो नहीं हो सकता। यही चीज अब हम यहां पे करेंगे। क्या है मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब x की वैल्यू निकालो, 2 इधर भेजो, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x 2 से बड़ा है। इसको लिखते कैसे ध्यान से समझिएगा, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहां लिखेंगे माइनस इंफिनिटी, यहां लिखेंगे इंफिनिटी, यहां लिखेंगे 2। अब देखिए 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी 2 से राइट या लेफ्ट, खुद सोचो, 2 से बड़ा है तो 2 से राइट की तरफ जाएगा, यानी 2 से इंफिनिटी। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, अगर यहां इक्वल टू का साइन है तो आपने इस सर्कल को शेड करना है। शेड का मतलब है इंक्लूसिव, कि आप एक्स की वैल्यू में 2, 2.1, 2.2 एंड 3 एंड सो ऑन ले सकते हो। बट अगर इक्वल टू ना हो, अगर इक्वल टू ना हो, सो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी, 2.1, 2.2 and so on, x is greater than equals to 2, x 2 या 2 से बड़ा होगा, तो क्या हुआ, 2 से infinity। लिखेंगे कैसे, 2 पे हम बनाएंगे square bracket और infinity पे हम लिखेंगे open यानी round bracket। बेटा एक बात जानिए, अगर आपका greater than या लेस देन का है तो मेरे ब्रैकेट्स राउंड चलते हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू है तो मेरे ब्रैकेट स्क्वायर होते हैं, यानी इक्वल्स टू का साइन आएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट, और इक्वल्स टू नहीं है तो राउंड ब्रैकेट। दूसरा पॉइंट, इंफिनिटी के साथ हमेशा हमारा राउंड ब्रैकेट ही रहता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला है मेरा क्वेश्चन सिक्स। यह है मेरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स प्लस टू, क्या होगा, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो, इसे इधर भेजो, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 2, आई एम सॉरी इट वाज माइनस 2, इट वाज नॉट 2, माइनस 2, सर्कल सर्कल शेड हो जाएगा और माइनस 2 से इंफिनिटी की तरफ हम चलेंगे, ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या होगा डोमेन मेरा, डोमेन हो जाएगा माइनस टू से इंफिनिटी। अब मैं ले रहा हूं इसका सेवेंथ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स, ये कैसे होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं ये, चलो यहीं पे कर लेते हैं, रूट वन अपॉन वन माइनस एक्स। अब ये रूट में है, जैसे मैं बोलूंगा बेटा क्या करें, आप बोलोगे सर झट से, सर रूट में है, सर क्या करो, वन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो रख दो, बिल्कुल ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन बेटा, डिनोमिनेटर में भी तो है, सर डिनोमिनेटर में है, सर डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल होता ही नहीं, अब इसी बात को सर मर्ज कर दो, क्या जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, और ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो है, इसका मतलब वन माइनस एक्स क्या होगा, वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा,
आई रिपीट भाई, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो तो होता नहीं है, राइट? जीरो के इक्वल तो कभी आ ही नहीं सकता, तो वन माइनस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो. अब निकालो एक्स की वैल्यू कैसे. अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, देखिए वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो. सबसे पहला तरीका जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सीधा एक्स को इधर भेजिए, वन इज ग्रेटर देन एक्स. हाँ जी, कैसे बना? अब लिखो इसे अरेंज करके, एक्स यहाँ लिखो, वन यहाँ लिखो. अब ये बताओ मुंह किधर की तरफ खुला हुआ है इसका? राइट की तरफ. तो ये क्या हुआ? एक्स इज लेस देन वन. एक्स क्या है? वन से छोटा. अगेन नंबर लाइन, वन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, वन पे सर्कल. क्या सर्कल शेड होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है. अब वन से छोटा तो हम कहां से चलेंगे? वन से लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे? अब झट से बोलोगे सर वन से लेफ्ट जाएंगे. तो ये आ गया मेरा, क्या बनेगा? माइनस इंफिनिटी टू वन. वन पे कैसा ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट. क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव यानी इक्वल टू का साइन नहीं है. अब एक तरीका तो ये है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं. लेट सपोज आपने 1 माइनस एक्स में 1 को इधर भेजा होता तो क्या होता? देखो बेटा, जब इनइक्वालिटीज यानी जब ग्रेटर देन या लेस देन के क्वेश्चन आए और वहां माइनस से माइनस कट जाए, ये माइनस वाला नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई में जाए, तो ये साइन फ्लिप हो जाते हैं. इस बात को नोट के तौर पे लिखिए. मैंने बोला एक्स इज ग्रेटर देन या माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो एक्स क्या होगा? माइनस जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये साइन फ्लिप करेगा. अब आप लोग के दिमाग में आएगा ऐसा क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. बेटा मैं आपसे पूछूं, फाइव और थ्री में बड़ा क्या है? आप लोग क्या बोलेंगे? आप झट से बोलेंगे सर फाइव बड़ा है. अच्छा बेटा ये बताओ माइनस फाइव माइनस थ्री में बड़ा क्या है? आप झट से बोलोगे सर माइनस थ्री. तो माइनस लगने पर क्या होता है? साइन फ्लिप हो जाता है. सेम यहां पर है, जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो साइन फ्लिप हो जाएगा. सो माइनस, अब देखिए माइनस यहां पर डिवाइड में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? फ्लिप. एक्स इज लेस देन वन, आ गया वही क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आप सबके लिए ट्राई करने के लिए, पार्ट था हमारा सेवन, एट्थ पार्ट ये है. एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट में एक्स माइनस टू. कैसे करें? सेम तरीका, एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो, इधर भेज दो. एक्स इज ग्रेटर देन टू, अब नंबर लाइन बनाओ टू से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. टू पे सर्कल क्या करेंगे? अनशेड. और टू से बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन टू, तो टू से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? टू कॉमा इन्फिनिटी. ये मेरा डोमेन आया. अब एक यहाँ पर पूरी वैरायटी मेरी कंप्लीट होती है. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैरायटी की बात करूँगा. तब तक के लिए बाय बाय.